हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और आज मैं 5 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ पवी विद मम्मा ब्लॉग्स में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। थैंक यू। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे मार्केट से, और सब आजकल इतना बुरा टाइम चल रहा है कि हर टाइम आके मार्केट से एकदम सैनिटाइज करो। सब चीज़ें मैंने सैनिटाइज की, सब्जियां सैनिटाइज की, खुद को पूरे ऊपर सैनिटाइजर छिड़का मैंने अपने ऊपर। और उसके बाद मैं यहाँ पे सीताफल की सब्जी बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का फास्ट है साईं बाबा का। आज गुरुवार है और इन्होंने फास्ट रखा है साईं बाबा का, तो इनका मन था कि सीताफल, मीठा सीताफल खाने का, जो खट्टा मीठा बनता है ना सीताफल, वही सीताफल खाने का इनका मन था। और यहाँ मैं सारी सब्जी काट ली है मैंने। अरे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है सब्जी छौंकने के लिए। ये गरम होता है तब तक इसमें, जब ये गर्म हो जाएगा फिर मैंने क्या किया है, फटाफट इसमें हींग और जीरा से तड़का लगाया है। उसके बाद सारे मसालों को, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर तो डलेगा नहीं क्योंकि ये व्रत का है खाना, व्रत की सब्जी बन रही है, इसलिए मैंने इसमें जो सारे मसाले होते हैं वो घोल के डाले हैं, क्योंकि सारे मसाले जल जाते हैं अगर खाली सिर्फ तेल में डालो और तेल बिना प्याज और टमाटर की सब्जी बनाओ, तो मसाले हमेशा घोल के डालने चाहिए जिससे मसाले जले ना, पानी में घोल के डालने चाहिए हमेशा। तो मैंने हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक वगैरह ये सब डाल दिया है पानी में घोल के। थोड़ा मसाला भुनने के बाद मैंने इसमें सीताफल डाल दिया है, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद बस इसे मैं ढक के रख दूंगी। बस इसके बाद कुछ बर्तन पड़े थे सिंक में, पवी के दूध की बोतल वगैरह ये सब पड़ी हुई थी। इसको मैंने गर्म पानी से धो लिया है, एकदम तेज गर्म पानी था ये, तो इसकी बोतल हमेशा गर्म पानी से ही धोती हूँ। अब मैं सिंक वगैरह साफ कर दी है, ये बर्तन धुल चुके थे। अब मैं थोड़ी सी सब्जी देख लूंगी कि कैसी हुई है तब तक। हल्की हल्की सी पकने लगी है ये सब्जी, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। और ये सीताफल की खट्टी मीठी सब्जी के साथ हींग नमक की पूरियाँ काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो मैंने आटे में थोड़ी सी हींग डाल ली है और थोड़ा सा नमक डाल लिया है। और बस मैं आटा लगा लूँगी पूरियों का। अब मैं सब्जी को फिर से चेक कर लूंगी कि कैसी हुई है। देखिए ये बन चुकी है लगभग, बस अभी से ऐसे ही भूनना थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा भी सेट होने देते हैं ऐसे, फिर ढक के रख देंगे इसको सेट होने के लिए थोड़ा सा। थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी डाल ली है जिससे जल्दी गल जाएगी।
और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगी इसमें। बस अब ये चीनी डाल के, जब चीनी डल गई है तो ये गलने लगा है सीताफल सारा। और बस अब मैं इसे ऐसे ही भून लूँगी, थोड़ा सा गैस का फ्लेम तेज करके ऐसे ही भून लूँगी मैं इसे उघाड़ कर ही बिना ढके। बस ये थोड़ा सा भुन गया है अच्छे से, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो गई थी तो फिर इसमें बस अमचूर डाल दिया, अमचूर पाउडर। बस अब मेरी सब्जी बनके तैयार हो गई और यहाँ फिर मैं पूड़ियाँ उतारने लगी हूँ। बहुत टेस्टी लगती है ये दोनों चीज़ें एक साथ, मीठा सीताफल, खट्टा मीठा सीताफल और हींग नमक की पूरियाँ। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है ये खाने में साथ में। और ये देखिए प्रसाद तैयार हो गया है मेरा भोग का। अब इसे इनसे कह दूंगी कि साईं बाबा को भोग लगा दें, उसके बाद अपना व्रत खोलें। तो बस दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको मेरा।